नमस्कार एमके क्लासेस को आपण मानको स्वागत अछि। आज आम पिला माने ओडिया ग्रामर रो विभावना अलंकार को पढ़ा। पूर्वर आम उपमा रूपक इत्यादि सब पढ़ी सारे पिला माने उत्प्रेक्षा भी पढ़ी सारे। आज विभावना और अर्थ अलंकार विभावना को आज आम पढ़ा जाऊे पिला माने बहुत सहज रे आज आम बुझा पिला माने अति सहज रे मु तो कहि आज चुटकी रे बुझा विभावना अलंकार। विभावना को शब्द को पिला माने गोटे ट्रिक कर दबा बी भावना करिबा में विभावना बी अर्थ पिला माने मन रखा बिना कहीं सब बिना रे हम मन रखा पिला माने आम तार प्रथम संज्ञा टे करदे संज्ञा कौन सी टे जाने तापर आम ट्रिक भी जो पिला माने कारण न थाई कार्यर उत्पत्ति हेले विभावना अलंकार होता है। कारण न थिबो किंतु कार्यर उत्पन्न हो कार्य उत्पत्ति कार्य हो कारण थिबो नाही कौन सी कारण थिबो नाही किंतु कार्य जदि उत्पन्न होठे विभावना अलंकार होता है। पे आम कहीपर मेघ ना कितु मयूर नाचुच बिना मेघरे मयूर नाचवा आम जाने कला मेघ देखि मयूर नाचे कला मेघ को देखि मयूर नाचे बिना मेघरे कौन के मयूर नाचे किंतु इटि बिना मेघरे मयूर नाचवा कारण ना कार्यर उत्पन्न हो जायर उत्पत्ति आम से कौन कह पाने विभावना अलंकार कह आउ एक उदाहरण पे नहीं पार बिना मेघरे वज्रपात हवा मेघ द्वारा ही आम जाने जे वज्रपात होता है। जिते मेघ आसे सी वज्रपात करें घड़घड़ी वज्रपात होता है बिजुली मारी थाए किंतु ये बिना मेघरे वज्रपात हवा अर्थात बिना मेघ कौन कारण ना कितु कार्यर उत्पन्न कौन है वज्रपात होगा। पे आउ एक साधारण उदाहरण ना तापर आम जा पाने ठंडा दिन कथा चिंता कल बिना थंडार कंबल घोड़ेबा ठंडा ना कि कंबल घोड़े हवा कारण ना कार्यर उत्पन्न जदि होता है विभावना अलंकार बोलीपर पाने पाने उदाहरण जदि आम ना तो सुंदर भाव आहरी सुंदर भाव या बुझीपर मु तो कहले प्रथम जे आम आज चुटकी बुझा पूरा इजिली बुझा गोटे उदाहरण पे अनल नुह देह दोह अनल नुह देह दोह अस्त्र नुह मरम भेदई अनल नुह देह दोह अस्त्र नुह मरम भेदई नुह तो जल बुड़ाए कूल नुह मादक करे विहल नुह बड़शी गो बड़े मन मीन निये आकर्षी। पिलाने भल भाव बुझा विदग्ध चिंतामणि अभिमन्यु सामंत सिंहार प्रेमर कथा कोटी बखाणी प्रेमर स्थिति गोटे परिचय प्रेमर परिभाषा कही प्रेम गोटे प्रकार वस्तु प्रेम ए प्रकार गोटे द्रव्य प्रेम गोटे ए प्रकार गोटे जिनस जे कि अनल नुह अनल अर्थ अग्नि निमें बुझुचु पे अनल नुह किंतु से देह को जाली पार अर्थात अनल नुह अर्थ कौन कारण किसी ना निना मान बिना कारण कार्य उत्पन्न होगा कौन देह को जालीदेटा जालिबा नियार काम होची जालिबा पिला माने एटी किंतु निया कौन से उत्पन्न होउ नाही किंतु से देह को जाली दोची कारण न थे प्रेम गोटे प्रकार वस्तु मु कहिलेनी पूर्वरु जे प्रेम बिना अग्नि रे बिना निया रे से जाली दे पारे प्रेम एवं विरह प्रेम रु जो विरह जंत्रणा विच्छेद हो जा का अलग हो जा ना अनल न थी कौन कर जालीदेव अस्त्र नुह से अस्त्र नुह बिना अस्त्र रे बिना अस्त्र पिला माने बुझी बिना मु पूर्व कहले ट्रिक को नहीं जा बिना बिना कारण रे अस्त्र नुह किंतु से मरम को भेदुची मरम केमिति भेदुची मरम कहले पिला माने हृदय को से अस्त्र नुह जमी अस्त्र कौन करे आमको आघात दिए चोट दिए अस्त्र आमर हृदय को हाणी दे थाए आम अंग को से काटी दे पारे किंतु ये अस्त्र न थाई मध्य हृदय को काटी दे पारे हृदय को भेदी दे पारे हृदय को चिरी दे पारे प्रेम विरह जंत्रणा भारी दुखदायक होता है। ये राधाकृष्ण दिव्य प्रेम शाश्वत प्रेम कोटी उन्मोचन कर विदग्ध चिंतामणि कथा आम पढ़ुते पे मन पकाऊ पे धीरे राधा कर दधी कथा आम पढ़ुते जो आमर ऑप्शनल ओडिया ही पाने ताहले कहगला कौन अनल नुह से कौन कर शरीर को जाली पार अस्त्र नुह से हृदय को भितर भेदी जा पार मर्म से भेदी जा पार नुह तो से जल नुह बिना कारण जल नुह किंतु बुड़ाए कूल
जमी नदी में आम जिते बना आसे से कौन कैसे कूल को बुड़े दिए कि ये जल नुहे कितु कूल को बुड़े दे पार प्रेम गोटे एमती जिनस से जल ना कौन कर बिना कारण से कार्य उत्पन्न हो जाए पे जल न थी कूल बुड़ जा नुह से मादक से कौन से मादक द्रव्य नहीं निशा द्रव्य नुह निशा द्रव्य पान कले लोक मैंने कौन करती बिहोल हो जाती मतुवाला उन्मत्त हो जाती पगल प्राय हो जाती कौन करती कौन ना जे निशा द्रव्य जे मद्यपान कै से कौन जाने से कौन हस रुहे तार हस ठिकना किसी रुहे से कौन कहूँ कौन करुच्ची किसी कौन से निजे जापे कि केवे भी जापे से बिहोल हो जाए जमी प्रेम भी से भाया प्रेम एक निशा सदृश बोली कहगला नुह से मादक द्रव्य नुह बिना कारण से नुह से मादक द्रव्य किंतु कार्य उत्पन्न होगा कौन बिहोल होगा मादक द्रव्य खाइले कौन हुए मादक द्रव्य खाइले पान कले कौन हुए लोक मैंने बिहोल हो जाते से भाया कहगला प्रेमटी प्रेमटी कौन सी मादक द्रव्य नुहे किंतु से बिहोल करे आहुच कौन नुह बड़ोशी गो से बड़ोशी नुह बड़ोशी वर्त पे बुझीवा आम मरियापी एक बाउँशे या बड़ोशी वंशी कहुए अन्न्य जगार विभिन्न जगह वंशी कहुए जोटा कि एक सूता लगे मरवापी व्यवहार करा जाए था लोक मैंने देखा गाँव में नदी पोखरी इत्यादि कौन हुए बड़ोशी कंटा द्वारा माछ धरा हुए बड़ोशी गोटे कंटा लगी था पिला मैंने गोटे कंटा लगी था जहाँ कौन कहे माछ जो खाद्य को खाए जमी जिया हो किंबा अटा अटा गुली को चकुटी से भितर दि जाए पा भितर पकईदे कौन हुए माछ मन मन भाव ये मोर खाद्य सुस्वाद खाद्य तेणु सी लोभरे आकर्षी टाणी ही पलै आसे कि प्रेम भी ठीक से भाया सी बड़ोशी नुह किंतु बड़े ये पाखे बड़ अच्छी जे प्रेम पाखे एत आकर्षण अच्छी जे सी मनमीन को ये मनमीन को बोली कहला मन मनोरूपक मछक से टाणी नहीं पारे ताले एठी बड़ोशी ना अर्थात कारण ना कि कार्य उत्पन्न उत्पन्न होला कि नहीं पिला माने आमे जानी परले ए उदाहरण माध्यम रे आमे जानी परले जे बिन कारण न थई मध्य कार्यर उत्पन्न होची जोठारे कारण नथिबो कार्यर उत्पन्न होतबो विभावना अलंकार हो पिला माने जानी परले पिला माने आउ एक आमे उदाहरण नबा पिला माने से कहते आउ एक उदाहरण नवा दरबार काव्यर एक उदाहरण आम राधानाथ राय कथा मन पकईवा दरबार में जो राधानाथ राय लिखी थे किए बोल मुहि अटई पुलिस बिना मेघे सूर्जी पारई कुलिस किए बोल किए बोलू मुटई पुलिस बिना मेघरे मेघ न थाई बिना मेघ अर्थ कौन मेघ न थाई सूर्जी पारे अर्थ सृष्टि करपे कुलिस अर्थात वज्र वज्रपात करपे निजक बड़वारी बनाऊँ बड़पण देखा ताले एटी कारण ना पिला माने बिना मेघ द्वारा मेघ ना जोटि मेघ ना किंतु वज्रपात कराई पार्टी पूर्व जो कथा मैं आलोचना करते जे कारण न थी जदि कार्यर उत्पन्न होभावना अलंकार हम आम पे बुझीपर कबीर को एक दोहा आलोचना कराया पाने कबीर को एक दोहा आम मन पड़ी आज निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाई बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय एठी कबीर करे दोहार मध्य कारण न थाई कार्यर उत्पन्न होइछि पिला माने से कहउछन्ति कोन पिला माने बुझिबा टिके निंदुक अर्थात जे निंदा करे ते तुमर निंदुक जे तुमर अमंगल कथा चिंता करुची जे तुम पछरे जे कथा कहुची जे तुमर निंदा करुची कबीर कहंती ताकु नियारे रखिए अर्थात ताकु पाखरे रखंतु निकट रखंतु आंगन कुटी छवाय अर्थात निज अगणार ताकु रखंतु निज घरर ताकु तापई दरकार पड़े गोटे कुड़िया घर तापई कर दियंतु तापई घरटे कर दियंतु निज अगणार ताकु रखंतु काहेकि ना बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय बिना पानी बिना साबुन द्वारा जमी साबुन एवं पानी को व्यवहार कले कौन से जिनस को आम निर्मल करूँ परिष्कार करूँ आम आम शरीर भी पा साबुन को व्यवहार करते गोटे वस्त्र को सफा करने पा साबुन व्यवहार करूँ कितु ये कारण ना बिना बिनु पानी
साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। जदि तुम निजर स्वभाव को निज चरित्र को जदि विकसित करिवार अछि, निज स्वभाव को जदि निर्मल करिवार अछि, ताले निंदुक को पाखरे रख, काहेकि कारण न थाई एठी बिना साबुन बिना पानी रे भी सी तुमको निर्मल कर दे पारिबो। तुमको जे जते निंदा देबो तुम्हें सेतिकी उन्नति करिवो पिला माने। तेणु ये कबीर दोहाटी को एठी मन रखियो पिला माने। शेषरे मु कबीर दोहा को एठी कहि, काहेकि मु कहिति पूर्वरु जे आमे चुटकी रे मन रखिबा, विभिन्न प्रकार आम उदाहरण नहीं आम यहाँ मन रखिपारे जे कारण नार्ज उत्पन्न हे तो विभावना कि विश्वशक्ति कौन होता है पे विश्वशक्ति तार टे उल्टा हुए कारण थी कि कार्य उत्पन्न हम ना तो विश्वशक्ति हे कारण थी कार्य उत्पन्न हम ना तो विश्वशक्ति हे पे ताले याकु आम भल भाव बुझीपारे विभावना अलंकार को आम सुंदर भाव में बुझीपारे पे ताहले कबीर को दोहा को तुम मान मन थी जे निंदुक को सब पाखे रख जे तुम निंदा ताकु तुम्हें तार प्रशंसा करो बा तुम्हें निंदा को आपण जे निंदा कर निंदा को नहीं नि तुमको कबीर एक कथा कही तुम उन्नति हे जिते लोक निंदा करेंगे से तुम उन्नति हे। धन्यवाद, नमस्कार।